देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए मामले सामने आए हैं, वहीं कल 197 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,92,651 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल वैक्सीन की 41,36,142 डोज दी गई हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की अब तक 99,12,82,283 डोज दी जा चुकी हैं। भारत जल्द ही कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाला है। वहीं बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले बुधवार को 43 नए मामले, गुरुवार को 27 नए मामले, शुक्रवार को 18 नए मामले, शनिवार को 10 नए मामले, रविवार को 20 नए मामले, सोमवार को 25 नए मामले, मंगलवार को 5 नए मामले और बुधवार को 9 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 83,702 से 83,711 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।